इनको सबसे पहले वर्क स्पेस को रीसेट कर देते हैं, टूल बॉक्स को थोड़ा डबल कॉलम में यहाँ पे ले आते हैं, जो टूल्स कर चुके हैं उनको मैं थोड़ा सा आपके साथ दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोगों ने जो टूल्स सीख लिए हैं अभी तक, उसमें से जूम टूल और हैंड टूल का हमें पता चल गया, जूम इन जूम आउट फिट ऑल आर्टबोर्ड फिट टू विंडो वगैरह वगैरह। और अगर आपने लेफ्ट राइट ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग स्क्रॉल बार के साथ कर लो या हैंड टूल से कर लो, स्पेस बार इसकी शॉर्टकट की है, उसे होल्ड करके भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और ये वो शॉर्टकट कीज थी जो जूम से रेलेवेंट थी, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, और वैसे ही आप ऑल्ट के साथ भी जूम इन जूम आउट आप कर सकते हो। फिर अच्छा एक जूम टूल नेविगेशन वाला टूल भी है, ये भी आपके इस्तेमाल में आ सकता है। बाद आप अपने कॉन्टेंट को एक पैनल है सन में, नेविगेट करने के लिए, नेविगेट करना मतलब तो कुछ आप डिजाइन कर रहे होते हो, लोगो बना रहे होते हो, या अपने पे आर्टबोर्ड पे कंटेंट बना रहे होते हो, बाद आपने एक खास पॉइंट को जूम करके देखना होता है, तो ये आपको बाकायदा एक लेंस देगा जिस पार्ट का आपकी स्क्रीन के ऊपर आप आओगे वो जूम हो जाएगा। आसान सा टूल है, कोई इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो बाज लोग इस टूल को भी इस्तेमाल कर लेते हैं अगर कुछ क्रिएट करते हुए। तो ये जो जो चीजें सामने आ रही हैं जो मैंने नहीं बताई, तो मैं इसी के साथ उसको भी क्लियर करता जाऊंगा। ये भी आपको बाज बात हेल्पफुल होती हैं, नेविगेट नेविगेटर फॉर एग्जांपल, ये आपके पास सिलेक्शन सिलेक्शन में कंट्रोल जीरो ये फिट हो गया, ये विंडो में ये नेविगेटर है, ये नेविगेटर जो अभी आपको देख रहे थे, ये नेविगेटर आप ओपन अगर कर लो, वैसे तो इसकी ऐसा जरूरत नहीं होती, लेकिन बाद का बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट होता है और उसमें आपको उस पार्ट को आपने देखना होता है। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि मैंने एक प्लेसमेंट कर ली है, कोई शेप है मेरे पास, जैसे ये शेप मैंने प्लेस कर ली, यहाँ पे शेप आ गई, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने इसके ऊपर रख दिए, जैसे ये मैंने रख दिए, डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको और स्वैप कर लेते हैं अगर करना चाहो तो। इसको मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ ड्रैग करके कंट्रोल डी कर देता हूँ। कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने इसी को ऊपर यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आपने किसी पार्ट को हाईलाइट करना हो देखना हो तो नेविगेटर आपको ही हेल्प करता है, ये आप क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, ये डायरेक्ट भी आपको परसेंटेज में भी जूम आउट जूम इन कर सकते हो, ये परसेंटेज वाइज है, ये जूम इन ये जूम आउट है ये जूम इन है, मतलब जिस पार्ट ऑफ द एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया होगा वो फुल फ्लेज स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे ये इमेज आपने क्लिक कर दिया, अब आपका जूम होगा जूम आउट होगा, या आप यहां से भी कर सकते हो परसेंटेज वाइज 100% ये आपका। और ये किस पार्ट को जूम किया है, स्क्रीन के इस पार्ट को, मतलब आर्टबोर्ड नंबर 2, इसको ड्रैग करके इधर ले आओ, जिस पार्ट को हाईलाइट करना चाहो ऐसे यहां से भी कर सकते हो। इसका फायदा ये होता है कि जब आपके पास नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा हो तो आप नेविगेट कर सकते हो फ्रॉम वन पेज टू अनदर। मिसाल के तौर पर इसी कॉन्टेंट को मैं रिपीट कर देता हूँ, आसान से ट्रिक देखो रिपीट कैसे होता है। ये कॉन्टेंट है सारा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद अगर आप इसको सब आर्टबोर्ड्स के ऊपर इक्वली पेस्ट करना चाहो, एडिट में पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड कह दिया करो, ये लो सिलेक्शन आउट, सिलेक्शन कर लेते हैं पहले, ठीक है, सिलेक्शन करके कॉपी, ये कॉपी हो गया, और ये अब आप जिस स्क्रीन के ऊपर मिसाल के तौर पे चलें, एक काम करते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करके इसको हाईलाइट कर देता हूँ या फिल करता हूँ, तो रेड रेड फिल्स इसको मैं सिलेक्ट करके इनको इनको मैं सिलेक्ट करके इसको कर देता हूँ ब्लू। तो कभी आप आर्टबोर्ड्स में नेविगेशन करना चाहो तो यहाँ से कर लिया करो, ये देखो जिस आर्टबोर्ड के ऊपर आप जाना चाह रहे हो, ठीक है, यहां से जूम इन भी कर सकते हो ऐसे।
जूम आउट भी कर सकते हो ऐसे, जैसे आप पसंद करो। यहां से आप इसको, ये आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। नेविगेशन है, आपकी मर्जी है, अगर आप जूम आउट जूम इन और इनको कंट्रोल रखना चाहो तो ये यहां से आप इसको कर लीजिएगा। कंट्रोल प्लस, ये देखो, ये आपको यहां पे एक रेड बॉक्स नजर आ रहा होगा, जिस पार्ट ऑफ दी स्क्रीन को आप देखना चाहो नेविगेटर आपको कर देता है। ये देख रहे हो, इजीली ऐसे कर लीजिएगा, बस जी इसका इतने काम है, क्लोज कर देते हैं। अब आ जाओ हमारे रिमेनिंग टूल्स की तरफ। ये नेविगेशन था, ठीक है, और ये व्यू में जूम इन जूम आउट कर लो या विंडो में नेविगेटर के थ्रू इसको अटेम्प्ट कर लो। अच्छा जी, हैंड टूल आपको मैंने सिंपल ये बताया था कि आप जब बिग स्क्रीन की जाती है तो आप अपने पार्ट ऑफ द स्क्रीन बजाय स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे देखो, आप हैंड टूल से भी देख सकते हो। फिर वर्क स्पेस हमने देख लिया, वर्क स्पेस की डिटेल हमने स्टडी कर ली, डिफॉल्ट से लेके बाकी वर्क स्पेस के नाम और यहां तक कि अपनी वर्क स्पेस को क्रिएट करना भी सीख लिया था हम लोगों ने। अब आ जाओ बेसिक शेप्स की तरफ। बेसिक शेप्स हमारे पास ये सारी होती हैं, ठीक है, इसमें मैंने शिफ्ट का रोल भी बता दिया, ऑल्ट का भी बता दिया, ऑल्ट शिफ्ट दोनों का भी बता दिया। प्रॉपर्टीज में जाके आपको उनके जो स्ट्रोक का कलर, फिल का कलर, ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन और विड्थ, हाइट, फ्लिपिंग ये कर दी थी। सिर्फ एक काम हमने नहीं किया था, वो हमने स्ट्रोक का जो प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको नहीं बताई थी। अब मैं स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज आपको बता के आगे बढ़ने लगा हूं। स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, मिसाल के तौर पे आप यहां पे, ये आपके पास स्क्रीन है, इस पे ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आपने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप इन तमाम ऑब्जेक्ट के स्ट्रोक के ऊपर काम करना चाह रहे हो तो स्ट्रोक मैंने आपको बोला था कि ये तीन चार डिफरेंट वेज में स्ट्रोक को आप अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर सकते हो। फिर मैं जानबूझ के ऑफ करने लगा हूं, इट इज ऑफ, स्ट्रोक इज राइट नाउ व्हाइट, स्ट्रोक का कलर ब्लैक कर लेते हैं, ये स्ट्रोक का कलर ब्लैक हो गया। स्ट्रोक का वेट बढ़ाना है, स्ट्रोक का वेट यहां से बढ़ा लो। और अगर आपने स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज को डिटेल में देखना है, वैसे तो एक चीज आपको बताऊं, ये जो आपने स्ट्रोक दिया है ना इन शेप्स के ऊपर, ये सर्कल्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, स्टार्स हैं, पॉलीगॉन्स हैं, एनीथिंग, स्ट्रोक का वेट इस वक्त 10 पॉइंट मैंने इस वक्त सेट किया है। अगर आपको ये कहूं कि स्ट्रोक का वेट थ्रू आउट राउंड शेप में इक्वल है, मतलब यूनिफॉर्म, इसे बोलते यूनिफॉर्म है, ये है यूनिफॉर्म, ऊपर से चेक करो, ये यूनिफॉर्म। अगर आप यूनिफॉर्म की बजाय इस कॉम्बिनेशन पे जाओगे, इसे बोलते हैं प्रोफाइल्स, डिफरेंट विड्थ की प्रोफाइल सेटिंग्स है। ये देखो, ये देख रहे हो डिफरेंट हो गई, ये देखो डिफरेंट हो गई, ये देखो डिफरेंट हो गई। हर जो लिस्ट में से मौजूद प्रोफाइल सेटिंग जिसमें डिफरेंट विड्थ अवेलेबल हैं डिफरेंट डिजाइन के साथ, इनको आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर लिया करें। और अगर बाय डिफॉल्ट वैसे होता क्या है, बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, स्ट्रोक का वेट कहीं भी आपका आउट नहीं हो रहा, सब जगह सेम सेम है। लेकिन बाद का आप स्ट्रोक को अपनी मर्जी से करना चाहो वो भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं वो नहीं बता रहा अपनी मर्जी से कैसे करते हैं। अभी ये बने बनाए जो टेम्पलेट्स हैं इनमें से कोई भी पिक कर लो। ये वाला टेम्पलेट में पता क्या होगा, आपके स्ट्रोक का जो स्टार्ट है और जो एंड है शार्प होगा, दरमियान में थोड़ी सी थिकनेस ज्यादा होगी। इसमें पता क्या होगा, स्टार्ट में थिकनेस कम होगी, एंड पे थिकनेस कम होगी, एक दरमियान में भी पार्ट आएगा जिसमें थिकनेस कम होगी। इसमें पता क्या होगा, एक तरफ जो आपकी स्ट्रोक की विड्थ है वो फुल होगी, एक तरफ बिल्कुल थिन कर देगा, मतलब स्टार्ट पॉइंट में वो थिकनेस ज्यादा होगी, एंड पॉइंट भी शार्प होगा। इसमें पता क्या होगा, स्टार्ट में जो इसकी विड्थ है स्ट्रोक की वो थिन होगी और दरमियान में थोड़ी सी ज्यादा होगी और एंड पे थोड़ी सी कम होती जाएगी। इसमें दोनों एंड्स के ऊपर आपकी थिकनेस कम है, लेकिन बढ़ते 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 एंड की तरफ जाके घट जाएगी। ये देखो, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये जो दरमियान में आप कहते हो सर स्टार्ट किधर होता है, स्टार्ट ये है, ये सेंटर में, इधर से शेप ऐसी बनती हुई नजर आ रही है। कोई और ले लो, ये देखो, इसका मतलब ये पॉइंट स्टार्ट होता है, स्टार्ट से, और ये घूम के एंड हो जाता है, या इधर से आप स्टार्ट कह लो, ये घूम के एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये यहां से आप इसको अपने डिजाइन को आप अच्छा बना सकते हो, स्ट्रोक्स की वैल्यूज को सेट करके, विड्थ वाइज इसको कंट्रोल करके। और अगर आपको इसके अलावा चाहिए, बड़े मजे मजे के इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये इनको कहते हैं ब्रशेस, ये बराबर में है, ये बराबर में तो है ना, ये ब्रशेस है, ये ब्रशेस से भी आप इसको बड़े अच्छा तरीके, कैलीग्राफी ब्रशेस है, ठीक है, कैलीग्राफी ब्रशेस ये हैं सारे।
ये ले, ये ले, ये ले, ये ले लो, बेसिक में ये ले लो, और नीचे आ जाओ, ये ब्रशेस की टाइप्स हैं, ये ब्रश, ये ब्रश, ये ब्रश, लिस्ट में लंबी चौड़ी लिस्ट है। अभी तो आपको इतने सिर्फ नजर आए ना, ये आइकन दिख रहा है कॉर्नर पे, इसे बोलते हैं लाइब्रेरी मेन्यू। क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी मेन्यू। इस पे क्लिक कर दिया करो, ये लाइब्रेरीज आ गई, लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप जो भी इसमें से लेना चाहो स्टाइलिश किस्म का ब्रश यहां से ले सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन, नेम इज एरो स्पेशल। ये ले लो एरो स्पेशल, ये ले लो, जो भी शेप है। जरूरी सर्कल्स हैं, रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं, पॉलीगॉन भी हो सकते हैं, लाइंस भी हो सकती हैं, आर्क्स भी हो सकती हैं। इन पे इनको अपनी जरूरत के मुताबिक अच्छे अच्छे स्टाइल आप लगा के देख सकते हो। ये पसंद नहीं है, आगे चले जाओ, ये लिस्ट, अगली लिस्ट आ गई, ये ले लो। अगर आप स्ट्रोक बहुत ज्यादा हाई करोगे, इस वक्त स्ट्रोक की वैल्यू 1 पॉइंट है, थोड़ी कम कर देते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इस स्ट्रोक की वैल्यू मैंने कम कर दी, 0.25। ये कर लो, कितनी स्टाइलिश, कितनी ज्यादा वैरायटी है आपके पास। ब्रश है ये, इनको ब्रश बोलते हैं। ये ब्रश आपको मैं बनाना भी सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करो। ये टूल है, पेंट ब्रश टूल। जब इस पे आएंगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी ये स्ट्रोक के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। ये लिस्ट है, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो ऐसे। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये कर लो, कोई सा ले लो। ये देखो कितने सारे स्टाइलिश। और अगर आपको ये ब्रश का स्ट्रोक बहुत ज्यादा हाई है, इसको लो कर लिया करो यहां से, बिल्कुल ही खत्म नहीं करते, नन हो गया। ठीक है, और भी हैं, ये देखो, ये चेक करो, ये चेक करो, ये और भी है, ये लो, ये स्टाइल है, ये आपका इसकी जो कैलीग्राफी से बोलते, कैलीग्राफी, ये कैलीग्राफी के लिए यूज होता है, कैलीग्राफिक स्टाइल। ये देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये ले लो, ये कर लो, और भी हैं, नेक्स्ट चले जाओ आगे। ये देखो, ये चॉक ब्रश, चॉक स्टाइल देगा। ये देखो पूरी स्क्रीन के ऊपर चॉक स्टाइल, और मजे की बात है, बाल का इससे ही आपका अच्छा डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। वो कैसे? आप इसको ग्राउंड के ऊपर रखो, इन सबको सिलेक्ट करके इसको रिपीट कर दो, पूरा एक अच्छा सा ग्राउंड पैटर्न रेडी हो जाएगा। कोई कार्ड है, कोई ब्रशर है, कोई फ्लायर है, कोई कवर पेज है, एनीथिंग, यू कैन डू इट लाइक दिस। और अगर आप चाहो तो इन सबको सिलेक्ट करके ऐसे सबको सिलेक्ट कर लो, और इसको बैक के ऊपर ले आओ। बैक पे जाने का आसान सा तरीका, या तो लेयर पैनल के थ्रू चले जाओ बैक पे, इन सबको बैक पे ले आओ। मैंने सिलेक्ट तो किए हुए हैं, इस वक्त ये सारे सिलेक्टेड हैं। ये देखो, ये नीचे से, क्योंकि ये सबसे पहले बनाए थे ना, ये सबसे नीचे होंगे। ये देखो, ये सिलेक्टेड है, ग्लू, ये सारे सिलेक्टेड है, वैसे ही ग्राउंड के ऊपर है, कोई मसला नहीं। अब एक काम करते हैं, इसकी ओपेसिटी डाउन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ओपेसिटी डाउन कर देते हैं। प्रॉपर्टीज किधर है? वेयर इज प्रॉपर्टीज? ये प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है, ओपेसिटी दिख रही है, ओपेसिटी कम कर दो, बिल्कुल लो, ताकि कंटेंट वाजे आ जाए। कंटेंट आ रहा है ना नजर, बिल्कुल लाइट पेंट नीचे नजर आ रहा है ब्रशेस के। हालांकि ये सर्कल्स थे जिसके ऊपर ब्रशेस के स्टाइल्स लगाए आपने। ये देखो, फ्रंट पे ले आओ, बैट अगर सेलेक्ट हो गया कोई मसला नहीं, इमेज को हम फ्रंट पे ले आते हैं और उसको पेस्टी दोबारा से 100 कर देते हैं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और अगर आपने इसके ऊपर और कोई कंटेंट रखना है अदर देन दिस, वो ले आते हैं। ये लो, ये चेक करो, तो ग्राउंड के ऊपर वो आपके पास ब्रश के जो सर्कल्स थे उनके ऊपर स्ट्रोक्स लगा के स्टाइलिश पैटर्न स्क्रीन के ऊपर उसकी विजिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी आर्टबोर्ड के ऊपर कंटेंट है, उसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज में आप इसके ऊपर ये सारे लगा सकते हो। और ये बस आपने बस अपना कंटेंट बनाना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने स्टार्स लगाने हैं या कुछ और भी आपने यहाँ पे क्रिएट करना है, ये क्रिएट कर लो, और इसके ऊपर ये ब्रशेस के स्टाइल मैंने आज आपको इसको इंट्रोडक्शन दे दिया है। आपने ना वीकेंड के ऊपर इनको एक दफा एक्सप्लोर कर लेना, ये काफी सारे हैं। ठीक है, ये काफी सारे हैं, ये एक नहीं है, दो नहीं है, ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। ब्रशेस कैसे बनते हैं ये इंशाल्लाह
किसी और रोज में आपको ब्रश टूल के साथ करवाऊंगा। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ब्रश टूल्स के साथ मैं इनको एक्सप्लोर करूंगा, अभी जो बने हुए हैं सिर्फ उसी को आप अटेम्प्ट करो। मजे की बात है, ये जब आप ब्रश टूल को लेते हो ना, जो स्टाइल यहां से लोगे वो अटेम्प्ट में उसको रख देगा ये लोग। और वैसे भी ब्रश के स्ट्रोक जब आप लगाओगे, ये देखो देखे, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे किसी और रोज, ठीक है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, जो शेप्स बनी हुई है ना उसको आप ब्रशेस के डिफरेंट डिजाइन दे रहे हो, उसके सेलेक्ट कर लो। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट दो शेप जिनके ऊपर आपको ये सेट करना है। क्या सेट करना है? स्ट्रोक, स्ट्रोक का फेल क्या देना है इसका, स्ट्रोक का वेट क्या देना है, यहां से आप बढ़ा लीजिएगा। स्ट्रोक के ऊपर यूनिफॉर्म स्टाइल टच देना है या ये वाला, बोथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर शार्प एंड बिटवीन इज जो वो वेट ज्यादा, वेट से ज्यादा वो देख लो, टच दिया उसने ये, ठीक है। और अगर आप इसको इसके बजाय इसमें स्विच करना चाहो, ये ब्रशेज हैं, ये मैं आपको अभी बता रहा था। और भी हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये लिस्ट में आप एड ऑन कैसे करते हैं ये जब ब्रश की बात होगी तब मैं बताऊंगा, अभी हम इसको नहीं डिस्कस कर रहे। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपने जनाब इस में लिस्ट को कैसे देखना है। एरोज की लिस्ट देख ली आपने, एरोज स्टैंडर्ड्स भी हैं, ये देख लिए, आगे चले जाओ। नहीं अच्छे लग रहे आगे चले जाओ, नहीं अच्छे लग रहे आगे चले जाओ, नहीं अच्छे लग रहे आगे चले जाओ, नहीं अच्छे लग रहे आगे चले जाओ। ये देखो वो सिलेक्शन जो की हुई है उसमें जो कुछ भी है, और मजे की बात बताऊं कि टेक्स्ट पे भी लग जाता है, टेक्स्ट पे भी ये ऑप्शन इक्वली अवेलेबल है। ये देखो कितने सारे खूबसूरत ब्रशेस, ये देखो सर्कल पे लगाना कितना प्यारा सा आपको राउंड 6-7 सर्कल नजर आएंगे। ये सारे अवेलेबल है, ये ले लो। कलर सेट करने हैं, कलर फिर यहां से दे देना, कलर यहां से दे देना, फिल देनी है तो फिल इधर से दे देना, स्ट्रोक यहां से इसका ब्रश का लगा लेना। बड़े जबरदस्त किस्म के स्टाइलिश, ये देखो अगर आपको इसकी प्रेजेंस सही नजर नहीं आ रही है, इसके वेट कम कर देना या बढ़ा देना जब जरूरत पड़े, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट है, इनको जरूर देखिएगा, चेक कीजिएगा, क्योंकि ये सारे हम एक एक करके देखने मुश्किल हैं। लेकिन ये ब्रशेस के जो 5 टाइप्स हैं, कितनी होती हैं? 5 टाइप्स होती हैं ब्रशेस की। वो मैं आपको इंशाल्लाह जिस दिन ब्रश टूल करवाऊंगा उस दिन मैं आपको ब्रशेस की टाइप्स भी पढ़ाऊंगा। ये ब्रशेस हैं, F5 इसकी शॉर्टकट की है। ये ब्रशेस मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कितनी टाइप्स होती हैं ब्रशेस की, कौन कौन सी। ऊपर देखो, कैलीग्राफी, स्कैटर, आर्ट, ब्रिस्टल, पैटर्न, ये डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा किसी और रोज, क्योंकि आज हमारा ब्रश के ऊपर लेसन नहीं है, ठीक है। आज हमारा ब्रश के ऊपर लेसन नहीं है, आज हम ब्रश की जो है लैब नहीं कर रहे। आज सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं, जिस दिन मैं ये टूल करवाऊंगा उस दिन ये सारी ऑप्शंस आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। अभी कैंसिल कर दो। अभी मैं क्या करवा रहा हूं, अभी मैंने जो शेप्स बनाई हैं, ठीक है, उनको सिलेक्ट किया, करने के बाद यहां से ब्रशेस लगाने सिखा रहा हूं, लगाने सिखा रहा हूं, बनाने नहीं सिखा रहा। देख रहे हो कितना स्टाइलिश। तो 5 टाइप जो आपके पास अवेलेबल थी, उनमें से जो आपको पसंद है वो आप यहां से क्लिक करके लगा सकते हो। और भी हैं, ये देखो चेक करो, ये ले लो। और भी हैं, ये देखो कितने बड़े स्टाइलिश बॉर्डर भी लगा सकते हो। एक बॉर्डर लगाओ ना, बॉर्डर पे ही लगा दो, बॉर्डर लगाते हैं, ये देखो। बाद आपको बॉर्डर बनाने पड़ जाते हैं, कार्ड है, कोई मेन्यू कार्ड है, एनीथिंग लाइक दिस, तो उसका बॉर्डर आपने कैसे बनाना है? तो कोई मेन्यू कार्ड अगर आपने बनाना हो, जैसे मेन्यू कार्ड मैं आपको दिखाऊं एक सैंपल, ये देखिएगा, सैंपल देखिएगा, अभी मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर भी करूंगा। आप मैं अब बिजनेस कार्ड के बाद मेन्यू कार्ड पे आ जाओ, फ्लायर ब्रोशर्स वगैरह पे आ जाओ, कोई भी आपका बिजनेस उससे रेलेवेंट आपने पेज डिजाइन करना है अपने कॉन्टेंट प्रोडक्ट्स के साथ, टेक्स्ट के साथ, तो ये देखिएगा, जैसे 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 ये देखिएगा, ये फ्लायर सैंपल्स आपको दिख रहे होंगे, सैंपल्स दिखाता हूं, ये देखो 2/4 सैंपल दिखाता हूं या ट्राई फोर दिखाता हूं, जैसे ये मेन्यू कार्ड बना हुआ है, ये को बनाना मुश्किल है क्या?
एक पेज बनाओ जिसकी विड्थ और हाइट होगी, दो हिस्से कर लेना, सेंटर में गाइडलाइन लगा देना, एक तरफ मेन्यू का फ्रंट, एक तरफ मेन्यू का बैक, फ्रंट बैक फ्रंट बैक, बन सकता है कि नहीं बन सकता? विड्थ उसकी अगर आपने 10-10 करनी है तो 10-10 कर लो, ठीक है? अगर आपने 10 इंच लिया, 5 इंच फ्रंट 5 इंच बैक, जिसे फोल्ड भी किया जा सकता है, ऐसे बना लो, 5 इंच विड्थ ये, 5 इंच विड्थ ये, हाइट दोनों की 11, ये एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, उसका बैक साइड भी हो सकती है जहां पे पिक साइज ऑफ लोगो कॉन्टैक्ट वगैरह डाल के, एक तरफ व्हाट्सअप नंबर ये वो, बैक साइड पे, इन साइड जैसे ही ओपन करो, द डेजर्ट द एपिटाइजर यस द मेन कोर्स, ऐसे ये अंदर का पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो आप अगर कोई बनाना चाहो 11.5 विड्थ ले लो, 5.5 एक को कर दो, 5 एक को कर दो, 5 एक को कर दो, आधा इंच बीच में स्पेस दे दो, 11.5 अगर इसकी विड्थ है, ऑरिएंटेशन लैंडस्केप कर लो ना, 8.5 में 11 होता है ना, तो 11 आप इसको ऑरिएंटेशन लैंडस्केप कर लो, 5 इंच इधर कर लो, 5 इंच इधर कर लो, दरमियान में आधा इंच की स्पेस दे दो, ये डिजाइन बड़े आराम से बन जाएंगे। अब अगर मैं आपको कहूं इसका जो बॉर्डर है वो अगर आपने क्रिएट करना तो कैसे करते हैं, ये देखो मैं ये बोल रहा हूं, न्यू किया, न्यू में लेटर साइज ही ले लें 8.5 by 11, और ऑरिएंटेशन इसकी कर देते हैं लैंडस्केप, ये लैंडस्केप हो गया, लैंडस्केप में विड्थ 11 होगी, हाइट 8.5। और अगर आप इस स्क्रीन को अगर आप देखो, मैं आपको कहूँ इसके ऊपर आप अपने मेन्यू को डिजाइन कर दो, सबसे पहले तो बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर किस तरह लगते हैं स्टूडेंट्स? सिंपल सा मैंने आपको ट्रिक बताई थी बॉर्डर लगाने की, आप जस्ट रेक्टेंगल बनाओगे, ठीक है? और अगर आपने इसको दो हिस्सों में बांटना है, दो हिस्सों में बांट लो, 5 इंच by 5 इंच, 5 इंच विड्थ, और ये देखो मैं सिंपल कुछ भी नहीं कर रहा, ये लो इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ, प्रॉपर्टीज वेरियस प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज है, विड्थ कितनी रखनी है 5 कर दी, हाइट कितनी 8.5 ही रखनी है, ओके वेरी गुड, ये आपने सेट कर दिया। अब आप अच्छा ये मैंने ये ऑन किया, इसको ऑफ कर देना, ठीक है? मेंटेन रेशियोज की वजह से वो दूसरा भी ऑटोमेटिकली उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, इसको ऑफ कर देते हैं। हमने विड्थ कितनी रखनी है 5 और हाइट कितनी रखनी है 8.5, हाइट 8.5 है ना, 8.5, ये वो देख रहे हो ऑटोमेटिकली बॉक्स उस साइज में आ गया, इसको मैं बिल्कुल टच कर देता हूं बॉर्डर के साथ, ये लो ये आपका पेज का एक साइड रेडी होने जा रही है। अब इसकी सेम कॉपी निकालनी है, ये लो बॉर्डर थोड़ा सा मैं थिक कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, इसका दूसरा पार्ट ये लो पार्ट के साथ दरमियान में स्पेस आ गई, क्या ख्याल है? और इसकी दोनों कॉर्नर्स को अगर आपने राउंड भी करना है तो कोई मसला नहीं, राउंड कर लो शेप के साथ, इसको भी वैसे ही करना था, इकट्ठे भी कर सकते थे सब, इसके ऊपर कोई और स्टाइल देना दे सकते हो, बीच में मिसाल के तौर पे आपने एक पार्टीशन के लिए लाइन बना दी, ये लो इसका वेट आप अपनी मर्जी से जितना करना चाहो, जहां पे रखना चाहो इसको रख लेना, रखने के बाद इसके ऊपर भी एरो हेड टेल लग जाता है, ये देखो ये ब्रशेस थे ना, ये ब्रशेस में इतने सारे ब्रशेस जो दिखाए थे, इसमें एरो हेड टेल लगा दो, ये लो ये एरो हेड टेल है, ठीक है? जो भी इसमें अगर दोनों तरफ एक जैसे चाहिए, बताता हूं आपको कैसे करने हैं, अब इसको बंद कर दो। अब आ जाओ जरा स्ट्रोक पे, याद है मैंने कल स्ट्रोक स्टार्ट करना था और बताना था, यहीं से देख लो स्ट्रोक को, आपको ये वाला जो एरो हेड है टेल पे भी वही चाहिए। अभी अगर इस ब्रशेज में जाओगे वो तो नहीं मिल रहा, ठीक है, डिफरेंट मिल रहा है, एक साइड पे कुछ दूसरी साइड पे कुछ प्रॉब्लम, आप स्ट्रोक में चले जाओ, स्ट्रोक में जाके चाहे यहां से चले जाओ या स्टूडेंट्स आप प्रॉपर्टीज के स्ट्रोक में चले जाओ, प्रॉपर्टीज में आ जाओ, ये देखो प्रॉपर्टीज का यहां पे आप इस पार्ट में एक्सपेंड करते हैं, यहां कुछ है नो, इधर क्लिक करते हैं यहां कुछ है यस, स्ट्रोक इधर भी है, इधर से भी जा सकते हो,
स्ट्रोक पे जब जाते हो तो ये देखो, ये स्ट्रोक का बॉक्स आ गया, ये प्रॉपर्टीज में स्ट्रोक का एरो हेड एंड टेल दोनों तरफ एक ही दे दो, आपकी मर्जी है। दोनों तरफ अगर आपने एक ही देना है स्टाइल, आप दे सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं। दोबारा से देखिएगा कि मैं, हमें डबल हो गया है। ये देखो सिंपल सी आपने लाइन लगानी है, लाइन तो आप किसी टूल से भी लगा सकते हो। ये लो जी लाइन आपने ये लगा दी। लाइन लगाने के बाद स्ट्रोक का वेट बढ़ाना तो मसला है कोई नहीं, वो यहां से बढ़ा लो, प्रॉपर्टीज में जाके यहां से बढ़ा लो, एक ही बात है। इसका कलर करना है, कलर आप यहां से कर दो, जो भी कलर देना है एनी कलर, ये आपने कलर यहां से दे दिया। अब अगली बात, अब आपने इसके एरो हेड एंड टेल लगाना है। एरो हेड टेल एक तो मैंने बोला ना ब्रश में जाके लगा लो, लेकिन ब्रश में वो एक साइड पे डिफरेंट होता है, दूसरी साइड पे डिफरेंट होता है, वहां से मसला हल नहीं होना। इसका फिर मसले का हल ये है, ये थ्री डॉट्स पे क्लिक कर दो, यानी अच्छा ये एक्सपेंड हुआ हुआ है, ठीक है यहां पे करते हैं ये स्ट्रोक। ये देखो एक तरफ लग गया, दूसरी तरफ सेम लगाना है, ये लो दूसरी तरफ भी लग गया। वेट बहुत ज्यादा है, कम कर दो, स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, कोई और करना है कोई और कर लो, स्ट्रोक में जाओ। इसको ज़रा मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, जो लगाऊं वो दिखाई भी दे। ये जी स्ट्रोक भी है, अगर आप चाहो तो इनके स्टार्टिंग और एंडिंग स्ट्रोक एरो हेड दे सकते हैं। एक हेड होता है एक टेल होती है, यहां से दे दो। सबसे पहले तो सिलेक्ट करो ना जिसके ऊपर आपने स्ट्रोक लगाना है। अच्छा स्ट्रोक मजे की बात है, आप इस पे भी लगा सकते हो, किस पे, रेक्टेंगल पे, सर्कल पे, इस पे भी स्ट्रोक लग जाता है, सॉरी एरो हेड एंड टेल लग जाता है। यहां से वेट बढ़ाना आ गया, कलर सेट करना आ गया, स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज में चले जाओ। ये लो अगर लगाना चाहो तो कोई मना नहीं करता, ये लो लग गया स्ट्रोक हेड, टेल भी लग गया, टेल मिसाल के तौर पर ये लगा दी, चेक करो। ये देखो आप यहां पे भी अगर आप कहते हो सर इसको पलट दें, उधर हेड चला जाए उधर टेल चला जाए, वो भी हो जाएगा। अगर आपको यहां पे लगाना है इधर नहीं लगाना, ये भी लग जाएगा, इधर लगाना है यहां लग जाएगा, यहां लगा जहां मर्जी लगाओ। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट अप्रोच बता रहा हूं कि एरो हेड टेल हर शेप के लिए अवेलेबल है। जहां शेप स्टार्ट होती है वहीं पे एंड होती है, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे सर्कल हो, चाहे पॉलीगॉन हो, चाहे और कोई शेप हो, स्टार वगैरह, सब पे लग जाता है एरो हेड टेल। लेकिन एरो हेड टेल लगाने के लिए आपको स्ट्रोक में जाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रोक में जाओ, और स्ट्रोक में जाके यहां से एरो हेड टेल लगता है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लगाना चाहो, ये देखो काफी सारी लिस्ट लंबी चौड़ी है, एक हेड है एक टेल है, आपकी मर्जी है किस पार्ट पे क्या दिखाना चाह रहे हो, ये आपने यहां से लिस्ट में से ले लेना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने कट के लिए ये इस तरह का सिंबल लगाना है कि कट यहां से करना है, कोई ऐसा आपका कोई डिजाइन है जिसमें न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि कटिंग के लिए उसने डॉट्स या डैशेस लगाई होती हैं, इसको भी कर सकते हो। अगर आपसे कोई कहा जाए कि सर ये अगर आपने कट के लिए लगाया है तो ये अगर डॉट्स या डैशेज होते तो व्यूअर के लिए जरा आसानी हो जाती कि यहां से कट करना है पार्ट को, कर लेते हैं। अब ये कैसे होगा, उसके लिए आपको इसको डैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये दिस इज डैश, वो देखो ये डैश है, यहां से ऑन ऑफ कर लेना, ये स्टाइल आपका डैश का है। और डैश के स्टाइल अगर आपको पसंद नहीं है आप इसको चेंज भी कर सकते हो, 12 पॉइंट की डैश है और 12 पॉइंट का स्ट्रोक है। अगर आप इसको कम करना चाहो, ज्यादा करना चाहो, कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप 12 नहीं कहिए, आपको 25 चाहिए, 25 पॉइंट्स या 30 पॉइंट के डैश चाहिए। ये लो ये देख रहे हो डैश की लेंथ कितनी होगी, 30 पॉइंट्स, पहले कितनी थी 12, बढ़ गई ना। ये इसको कम ज्यादा करने के लिए अगेन स्ट्रोक में जाना है, स्ट्रोक में जाके यहां पे आपने इसको सेट करना है। अगर आप कहते हो सर डैश तो 30 है, गैप जो है 30 नहीं चाहिए, गैप सिर्फ और सिर्फ हमें 5 पॉइंट चाहिए, ये गैप में 5 दे दो। अब आपको एग्जैक्टली समझ आ गई है स्ट्रोक का हेड होता है, टेल होता है, स्ट्रोक का डिजाइन में डैश
आप अगर ऑन करना चाहो तो स्ट्रोक पे क्लिक करके यहां से तरतीब इसकी सेट कर सकते हो। और अच्छा, ये डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है, 35 और अगली दफा डैश का साइज मैं 20 करना चाहूं, कोई रोकेगा नहीं, 20 कर दो। और 10 गैप देना चाहो, 10 गैप दे दो, वो देखो स्टाइल ही चेंज हो गया, चेक करो, देख रहे हो, 30, 5, 20, 10, ये डिफरेंट डिफरेंट आपको वेरिएशन जो नजर आ रही है ना, वो यहां से इस वजह से नजर आ रही है क्योंकि आपने चार डिफरेंट पॉइंट्स पे चार डिफरेंट वैल्यूज दे दी, 30 की डैश, 5 का गैप, इसीलिए छोटा सा गैप आ रहा है 30 के बाद, ये 30 के बाद ये 5 का गैप है। फिर क्या है, 20 की डैश है, ये 20, ये 30 की डैश है, ये 20 की डैश है, और 10 का गैप है, ये 10 का गैप है। अगर आप गैप सिर्फ दो दो देना चाहो दे दो, कोई मसला नहीं, इधर भी दो दे दो, गैप एक जैसा रखना है रख दो, ये लो दोनों गैप्स में मैं 2-2 कर देता हूं, ये लो, लेकिन एक डैश 30 है, दूसरी डैश 20 है, एक डैश 30 है, दूसरी डैश 20 है, एक डैश 30, 20, दरमियान में गैप 2-2 पॉइंट का। उम्मीद है आपको स्ट्रोक की इन प्रॉपर्टीज की गैप के साथ समझ आ गई होगी, एरो हेड टेल की समझ आ गई होगी। और अगर एरो हेड टेल को किसी वजह से स्वैप करना हो, मिसाल के तौर पे कोई हमें कहते हैं क्लाइंट हमारा, यार जो सीजर है वो नीचे होनी चाहिए थी, आपने सेलेक्ट करना है, स्ट्रोक में जाना है, इसको डायरेक्शन को यहां से स्वैप कर लेना, आगे समझ यहां से कर लेना। फिर बाद का स्टूडेंट कहते हैं या क्लाइंट आपको कहता है, यार ये जो स्पॉट लगा है ना, इसका स्केल बढ़ा दो या कम कर दो, एरो हेड एंड टेल का स्केल यहां से होता है, चेक करो किसका स्केल बढ़ रहा है और ये किसका बढ़ रहा है। हाँ, तो ये यहां से अगर आप स्केल इकट्ठा दोनों को कंट्रोल करना चाहो, ये ऑन कर दिया करो, अब एक को करोगे दूसरा होगा ऑटोमेटिक, छोटा करोगे छोटा होगा, बड़ा करोगे बड़ा होगा, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, वो देखो 100 वैसे नॉर्मल होता है। इसकी भी समझ आ गई स्केल की। अब अगली बात एक होती है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या करती है, ये देखो ये आप एरो हेड या टेल के साथ टच हो रहा है बॉर्डर, और एक ये स्पॉट आपको यहां पे नजर आ रहा है खाली सा, ये देखो ये कैसे आपने जाना है स्ट्रोक में, इसे बोलते हैं अलाइन करना। देखिए जो लेंथ थी ना एक्चुअली किसकी, स्ट्रोक की लाइन की जो लेंथ थी उसके इनसाइड स्टार्ट किया अलाइनमेंट, ये आउटसाइड आ गया, बियॉन्ड जिसे बोलते हैं, एंड ऑफ पाथ के ऊपर आ जाएगा ये, और ये पाथ से थोड़ा सा इसको टिप को एरो को आगे प्लेस कर देगा, ये आपकी मर्जी है, अगर आप यहां से स्टार्ट से लेना चाह रहे हो या इसको थोड़ा सा आगे से लेना चाह रहे हो, ये अलाइनमेंट कहलाती है। और ये जो मैंने अभी आपको ऊपर यूनिफॉर्म का बताया था ना, वो यहां से भी कर सकते हो, वही चीज सेम सेम, देख रहे काम 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 ज्यादा 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 और ऊपर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि और ये एंड पे जाके फिर स्मार्ट हो जाएगी, दोनों एंड से विड्थ कम, दरमियान में विड्थ ज्यादा, उम्मीद है इसकी भी समझ आ गई होगी। इसका मतलब है अब आपको जो स्ट्रोक के बारे में मैं बताना चाह रहा था, काफी सारी ऑप्शन अब आपके सामने खुल के सामने आ चुकी हैं, और इनका आपको यूज भी पता चल गया होगा, ये बिलो हाफ का तो पता चल गया आपको, ऊपर वाले हाफ के बारे में बताता हूं अभी आपको, ठीक है, इसको मैं यूनिफॉर्म कर देता हूं। देखो एक एक छोटी छोटी जो आपकी इसके अंदर वैल्यूज को चेंज करते, देखो इफेक्ट्स टोटली चेंज हो रहा है शेप का, ठीक है, तो ये आपने यहां से कंट्रोल कर लेना, डैश इज ओके, गैप डैश ओके, एरो हेड टेल ओके, स्केलिंग इज ओके, अलाइनमेंट इज ओके, एंड प्रोफाइल इज ओके। अब आपको ऊपर वाले पार्ट जो गैप है, ये तीन प्रॉपर्टीज की देख लेना, ये तो वेट है ना, वेट मतलब मोटाई करना, बड़ा करना छोटा करना, ये वेट है, ये तीन प्रॉपर्टीज स्टूडेंट जरा देख लीजिएगा, कैप कॉर्नर और यह है अलाइन स्ट्रोक, ये तीन प्रॉपर्टीज जरा अच्छे तरीके से समझ लो। अच्छा अलाइन स्ट्रोक जो होता है वो अगर लाइन सेगमेंट के ऊपर अलाइन स्ट्रोक की सिर्फ एक ही वैल्यू ऑन होती है और वो ये होती है अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर,
बाकी ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगी, किन के लिए होंगी, सर्कल के लिए होंगी, स्टार के लिए होंगी, ऐसे शेप्स के लिए होंगी जो क्लोज होती है। ये ओपन शेप है, क्लोज का मतलब जो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर जाए उसे बोलते हैं क्लोज पाथ। सर्कल इज क्लोज पाथ, रेक्टेंगल इज क्लोज पाथ, स्क्वायर इज क्लोज पाथ, स्टार इज क्लोज पाथ, बट लाइन इज नॉट ए क्लोज पाथ। अलाइनमेंट इसमें सिर्फ एक ही मिलती है और वो सेंटर लाइन। सेंटर लाइन का मतलब क्या, ये देखो मैं थोड़ा जूम करता हूं, ये दरमियान में आपको पतली सी लाइन नजर आ रही है, इस पॉइंट के इधर भी और इधर भी वेट बराबर है। वेट कितना है जनाब, इस वक्त करंटली वेट है, आप प्रॉपर्टीज में चले जाओ जरा सिलेक्ट करके, सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, सिलेक्ट कर लो, और इस वक्त वेट अगर मैं 10 कर दूं ना स्टूडेंट्स, 10 कर दूं तो याद रखना पांच पॉइंट ए है और पांच पॉइंट ये है, इस लाइन ये सेंटर है, पांच पॉइंट लेफ्ट पे और पांच पॉइंट राइट के ऊपर। वेट टोटल कितना है 10, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सेंटर। अच्छा इसमें तो ये सीन है, लेकिन अगर मैं ये काम आपको करके दिखाऊं इन शेप्स के ऊपर, अब ये तो रेक्टेंगल है ना जिसके कॉर्नर्स को आपने राउंड किया, इसके ऊपर भी अगर आप स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज को स्टडी करो, यहां पे बाकी ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाती है। ये दोनों अलाइनमेंट इसकी भी सेंटर ही, बाय डिफॉल्ट सेंटर ही होती है, ये चेक कर लो, मैं जरा क्लोज दिखाता हूं। ये ब्लू लाइन आपको, इसे बोलते हैं पाथ, एक पाथ है जिसके ऊपर ये विजिबिलिटी जो है ये स्ट्रोक की है ब्लैक कलर की। हाँ अगर आप स्ट्रोक को बंद कर दो, स्ट्रोक को बंद कर दो, बंद करने का मतलब जीरो कर दो या नन कर दो। अब आपको स्ट्रोक नन कैसे होता है, नन करने का आसान सा तरीका, क्लिक किया ये और ये नन है नीचे, ये लो स्ट्रोक नन हो गया। अब ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये पाथ है आपका, स्ट्रोक आपने ऑफ कर दिया, ठीक है, स्ट्रोक अभी नहीं दिखाई देगा, साइड पे क्लिक करूंगा ये गायब हो जाएगा। ये पाथ जरूर आपका है लेकिन इसका स्ट्रोक आपने कर दिया नन या जीरो कर दिया या नन कर दिया, एक ही बात है। फिल इसकी है और वो क्या है, वाइट। चले इसको चेंज करता हूं, मैं कोई लाइट कलर इसमें ऑन करता हूं, ये लीजिए ऑरेंज काइंड ऑफ आप अपना जो है बनाना चाह रहे थे, ये मेन्यू कार्ड ऑरेंज कलर ब्लू जो भी देना दे दो। अब इसका अगर आप गौर करो स्टूडेंट, स्ट्रोक नहीं है, स्ट्रोक आप यहां से भी दे सकते हो, स्ट्रोक आप यहां से भी दे सकते हो, स्ट्रोक आप यहां से भी दे सकते हो। स्ट्रोक मतलब कलर, उसकी कलर की बात कर रहा हूं अभी। ये तीनों केसेस आप देख लो, यहां देख लो, ऊपर देख लो या नीचे देख लो, तीनों केसेस में आपको स्ट्रोक नन नजर आ रहा है। स्ट्रोक आप यह कलर तो यहां से ऑन कर दोगे जो मैंने कर दिया ब्लैक, और इसके स्ट्रोक के वेट की बाय डिफॉल्ट होती है 1 पॉइंट, बढ़ाना बढ़ा दो। जब आप बढ़ाते हो वेट, मैंने 6 अगर किया 3 इन है 3 आउट है, ये अलाइनमेंट के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। गौर करना जरा, येलो शेड इसलिए ऑन किया है कि आप देखो स्ट्रोक की प्लेसमेंट इनसाइड करने लगा हूं। अब वो इनसाइड कैसे करेंगे, स्ट्रोक पे जाएंगे, ये इनसाइड है क्या, स्ट्रोक पूरे का पूरा पाथ के इनसाइड आ गया, ये पाथ के सेंटर है, स्ट्रोक हाफ इन हाफ आउट 6 पॉइंट, ये टोटल स्ट्रोक इनसाइड योर शेप, इनसाइड योर पाथ ये लो, एंड दिस इज आउटसाइड योर पाथ ये लो, ये आउटसाइड है, ये सेंटर है, ये आउटसाइड है, ये सेंटर है और ये इनसाइड है। समझ आ गई तीनों की, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मिडल में होता है या सेंटर में होता है। अच्छा अब अगली बात, मैं स्ट्रोक को डैश में कन्वर्ट कर देता हूं, ये लो डैश में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप गौर करो, ये जो डैश, इसे बोलते हैं कैप, ये डैशेज जो आपस में मिल रही है उन्हें क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कैप। कैप जो है वो ये होता है, कैप अगर आप गौर करो बिल्कुल ये स्ट्रेट कैप है, राउंड कर दूं यहां से, कर लो ये राउंड हो गया। थोड़ी सी मैं इसकी वेट कम करूं ताकि आपको गैप नजर आए, ये देखो ये देखो ये देखो। अब गैप इसलिए नजर नहीं आ रहा स्टूडेंट्स कि गैप आपने दिया नहीं हुआ, गैप जरा दो ना इसका, ये मैं गैप यहां से अब अपनी मर्जी से देता हूं, ये देखो डिलीट डिलीट ये डिलीट 12 पॉइंट का, चलो 12 पॉइंट का मैं डैश डालता हूं, और अगर कुछ नहीं दोगे तो 12 पॉइंट का ही गैप होगा, कुछ नहीं दोगे तो 12 पॉइंट का ही वो गैप भी उतना ही सेट कर देते जितनी डैश की लेंथ है। अगर आप खुद से देना चाहो दे सकते हो, गैप डैश आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, लेकिन अगर आप गैप नहीं देते तो जो फर्स्ट वैल्यू है उसी को रिपीट करके गैप में खुद ही डाल देता ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आप इसको खुद सेट करना चाहो, यू कैन डू इट लाइक यू वॉन्ट टू सेट 16 पॉइंट, ये लो
ये गैप आने लगा है, डैश से गैप ज्यादा है। डैश अगर 12 है, गैप मैंने 16 दे दिया, ये यहां से देते हैं। सेम देना है वो भी दे सकते हो, छोड़ दो, फिर गैप देने की जरूरत नहीं। अब ये देखो, ये आपको कैप जो है ये राउंड नजर आ रहा है, वो इस वजह से नजर आ रहा है। ये देखो, बालों का आपकी शेप की डिमांड ये होती है, बालों का शेप की डिमांड ये होती है, बालों का शेप की डिमांड ये भी हो सकती है लास्ट वाली। इसे बोलते हैं प्रोजेक्टिंग कैप। प्रोजेक्टिंग कैप का मतलब है जो एग्जैक्टली जहां पे खत्म हो रहा है उससे थोड़ा सा आगे इसको ले जाए, इसे बोलते हैं प्रोजेक्ट करना। ये देखो, करूं, ये प्रोजेक्टिंग कैप है, ये बट कैप है, ये बट कैप है, ये प्रोजेक्टिंग कैप है। फर्क क्या है? ये जो एक्चुअल जो उसकी पोजीशन है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता है, प्रोजेक्ट कर देता है, इसीलिए इसका नाम है प्रोजेक्टिंग कैप ये। लेकिन दरमियान वाला टोटली डिफरेंट है। ये क्या करता है? ये दोनों साइड जो होती हैं कैप की, उनको राउंड कर देता है। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी आपको। अगली बात, अगर आप इसी को इनसाइड ले आओ, इसी को इनसाइड ले आओ, मतलब क्या? दोबारा से क्लिक करो, एक काम करना, इसको पहले ऑफ करना, ऑफ करके इसको इनसाइड कर देना। इनसाइड करने के बाद अब मैं डैश ऑन करता हूं। ये देखो, पूरी की पूरी डैश जो है वो आपकी शेप के इनसाइड आ गई, पाथ जिसे बोलते हैं, पाथ के इनसाइड आ गया। और अगर आप इसका डैश कैप सेट करते हो लाइक दिस, तो देखो कितनी खूबसूरत इसके इफेक्ट्स नजर आएंगे। इनसाइड वन वन, दोनों वन वन कर दिया, सॉरी वन कर दिया। ये चेक करना, यहां आगे गैप भी वन, डैश भी वन, और इसको बट कैप कर दो, राउंड ना करना वरना मिलते हुए नजर आएंगे। हालांकि मिले नहीं है, फासला चूंकि आपने बहुत काम दिया हुआ है, बट कैप जब राउंड होता है तो उसको कनेक्ट होते हुए आपको लगता है, ऐसा इल्यूजन ऐसे देता है कि कनेक्ट हुआ हुआ है, इसलिए बट कैप के साथ आपको अच्छे नजर आएंगे रिजल्ट इसके। ऐसे दिख रहा है, अब चेक कीजिएगा, वेट बढ़ा दें, थोड़ा साइज छोटा करता हूं। ये पूरी स्क्रीन के ऊपर भी इसके विजुअल देखो, स्ट्रोक इनसाइड, इनसाइड मैंने पुश किया हुआ है, बट कैप ऑन किया हुआ है, नॉट गो विद प्रोजेक्टिंग और राउंड, गो विद बट कैप। और ये लो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बॉर्डर का स्टाइल है, हालांकि बॉर्डर स्टाइल नहीं है ये स्ट्रोक है, और स्ट्रोक को आप इनसाइड पुश कर रहे हो, ये देख रहे हो। और अगर आपका डिजाइन कुछ इस तरह का बनाना हो, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपने बनाया कैसे बनाया, क्या चीज? एक सर्कल लगाता हूं, ये देखना, जिसको नहीं समझ दोबारा से देखो, या चलिए स्टार लगा देता हूं, एक बिग स्टार लगा देता हूं। ये देखो, ये बिग स्टार के ऊपर जो राइट नाउ जो सेटिंग है उसके मुताबिक ये इसने इस तरह दिखा दिया विजुअल इसके। ये एक्चुअली है क्या? स्ट्रोक की प्रॉपर्टी, आपने ये काम कर दो। ये देखो, मैंने क्योंकि लास्ट आपने जो अटेम्प्ट किया ना वो उस पर भी लग गया। ये देखो, ये पता डिजाइन कैसे बना? ये बट ऐप प्लस इनसाइड स्ट्रोक और वन गैप वन स्ट्रोक के साथ। मैं जरा कम कर देता हूं, ये बहुत बड़ी वैल्यू दी हुई है, एक डिजाइन बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। स्लोली स्लोली करेगा क्योंकि मैंने एकदम से बहुत वाली बड़ी वैल्यू दे दी उसमें। अच्छा, ये मैंने इनसाइड किया हुआ है, जैसे मैं इसको आउटसाइड करूंगा इसकी लुक ही बदल जाएगी डिजाइन की। और कम करूं, मैं इसको डायरेक्ट टेन कर देता हूं। ये चेक करो, ये आपका एक स्टार और उसके ऊपर लाइन, स्ट्रोक, इनसाइड, और जैसे इसको आउटसाइड करेंगे ये देखो पाथ के बाहर चला जाएगा, ये पाथ के बाहर चला गया, ये पाथ के अंदर आ गया, ये पाथ के बाहर चला गया, और ये पाथ के सेंटर में ले आया, हाफ इन हाफ आउट। चेक कर लो, हाफ इन हाफ आउट, स्ट्रोक में जाके यहां से आप इसको बड़ा खूबसूरती से इसको इस्तेमाल करके अपने रिजल्ट्स ले सकते हो।
उम्मीद है आपको स्ट्रोक की समझ आ रही होगी। और एक और, अगर मैं इसको सर्कल के ऊपर अटेम्प्ट करूंगा तो कुछ इस तरह नजर आएगा। एक सर्कल है, ये चेक कीजिएगा, ये देखो, ये एक्चुअली आपका स्ट्रोक की वैल्यू इनसाइड पुश करके ये आपको दिखाया जा रहा है। चेक करो, थोड़ा जूम आउट करता हूं ताकि आपको एज एज यूजुअल एज ए फुल फ्लैज इसका इमेज का स्क्रीन के ऊपर लुक नजर आए। ये चेक करो, ये सारा शेप आपकी इनसाइड एज आपने जो इनसाइड आपने सेट किया विद बट कैप और इनसाइड ये वैल्यू, ये देखो। अगर कोई कहे ये कैसे बना, तो ये कैसे बना जनाब, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक के ऊपर थोड़ी सी मेहनत की आपने। ये लो, कलर जो भी देना चाहो, फिलिंग कलर आप बदलोगे लाजमी होता है, वो बैकग्राउंड तो बदलेगी ना, फिल कलर जो बदल रहा है। हाँ, स्ट्रोक की वैल्यू आपकी राइट नाउ ब्लैक है, रेड कर दो, येलो रेड, ये स्ट्रोक की प्रेजेंस है, फिल एंड स्ट्रोक का कॉम्बिनेशन। गौर करना जरा इसको, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूं, ये लाइन स्टाइल इज योर स्ट्रोक एंड दिस इज अ फिल। चूंकि आप सारे इनसाइड की तरफ लेके आए हो, तो इनसाइड आपको इस तरह इसकी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस नजर आ रही है। क्या स्ट्रोक के बारे में समझ आ गई सबको? एक ऑप्शन मैंने नहीं बताई अभी तक, वो है कॉर्नर्स। कॉर्नर सर्कल के नहीं होते, कॉर्नर किसके होते हैं, रेक्टेंगल के होते हैं, स्क्वायर के होते हैं, स्टार के होते हैं, पॉलीगॉन के होते हैं, ट्रायंगल के होते हैं, कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर हमेशा शार्प होते हैं, लेकिन कॉर्नर को अगर आप चाहो राउंड भी कर सकते हो, कॉर्नर को अगर चाहो बेवल भी कर सकते हो। अब वो आपको मैं दिखा देता हूं कैसे, ये देखिए। मिसाल के तौर पर आपके पास एक, मैं डिजाइन रेडी करता हूं, सिंपल सा एक स्क्वायर लगाता हूं, ये मैंने एक स्क्वायर लगा दिया या एक रेक्टेंगल बना दिया। इसके कॉर्नर्स को स्टूडेंट्स गौर करना, वेट मैं बढ़ाता हूं। अब ये जो कि प्रॉपर्टी आपकी जो करंट चल रही थी उसने उसी को अटेम्प्ट कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया करो, ये डिफॉल्ट ये होती है, डिफॉल्ट नॉर्मल कर देगा, हर चीज को बैक कर देगा, डिफॉल्ट कर लिया करो, वरना जो आपने स्ट्रोक की सेटिंग की हो, फिल की सेटिंग की हो, वो अप्लाई हो जाती है। स्टार के पे की हो, वो भी रेक्टेंगल पे, सर्कल पे, पॉलीगॉन पे, सब पे अप्लाई हो जाती है। तो जब कभी आप नई शेप बनाओ, ऑलवेज गो विद डिफॉल्ट, अंटिल और अनलेस उसी की कंटिन्यूटी अगर चाहिए तो रख लो, वरना डिफॉल्ट कर दिया करो, ये डिफॉल्ट कर दिया, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे कॉर्नर के ऊपर गौर करना स्टूडेंट्स, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर की अगर आप शार्पनेस की गौर करो, बिल्कुल शार्प कॉर्नर है, लेकिन स्ट्रोक में जब आप जाओगे इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये आपका चॉप कॉर्नर या राउंड, सॉरी राउंड कॉर्नर दिखाएगा, ये लो, ये राउंड कॉर्नर हो गया, और ये आपके पास बेवल जॉइंट ऐसे। अब आप इसको देख किस तरह देखना चाह रहे हो, ये ठीक है, ये ठीक है या ये ठीक है? अच्छा, मजे की बात है, अगर आप इसको मजीद आप करना चाहो बेवल, तो यहां से कर लेना, क्लिक करो पॉइंट को, एक्टिव करो पॉइंट, एक्टिव करने के बाद आप इसको स्ट्रोक राउंड, पहले इसको जरा सिलेक्ट कर लेते हैं, शेप सिलेक्ट कर लेना पहले, शेप जब तक नहीं सिलेक्ट करोगे, शेप को पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा, और यहां से आप इसको इनसाइड आउटसाइड इसको करना हो स्ट्रोक पे जाके, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, दिस वन राउंड, दिस वन शार्प और दिस वन बेवल। और ये है जी लिमिट, इसकी कितनी लिमिट देनी है उसकी, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जब स्ट्रोक शार्प होता है उस वक्त आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, कॉर्नर अगर एक्टिव नहीं हो रहे ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर दो,
ये लो, ठीक है, जरा स्ट्रोक में चलते हैं, दोबारा स्ट्रोक में चलते हैं, सेलेक्ट कर लो पहले शेप, शेप को पहले सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, शेप सेलेक्ट हो गई है। शेप सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल होता है, सिलेक्शन टूल से शेप सेलेक्ट कर लेना, फिर स्ट्रोक में जाना है, स्ट्रोक में जाके यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो जो उसके कॉर्नर्स के ऊपर अटेम्प्ट आपने करना है, ठीक है, यहाँ से कर लीजिएगा। और ये करने के बाद आपने जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको एक्टिव करना है ये, और इस पॉइंट को आप शार्प कर लो, राउंड कर लो, जितना भी करना है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर लेना, ठीक है, जितना भी करना है, चारों साइड्स करनी है तो मैंने अलग से आपको बता दिया हुआ है। अच्छा, अब उम्मीद है स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो चुकी है, आगे चलें, ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं यहां तक, इसका मतलब है आप फिल स्ट्रोक ओपेसिटी अपीयरेंस इज ओके, ट्रांसफॉर्म इज ओके। अब एक चीज जो कल मैंने स्टार्ट की थी और वो मैंने रोक दी थी वह है अलाइनमेंट, प्रॉपर्टीज में एक अलाइनमेंट भी होती है, अलाइनमेंट में आपको जरा आप सारी क्लियर ना कर दूं आज, अलाइनमेंट क्या होती है, और अलाइनमेंट सिर्फ अलाइनमेंट नहीं होती बल्कि इसके अंदर मजीद कुछ सेटिंग्स होती है। ये देखो ये सेटिंग्स कम हो गई ना, सेटिंग बढ़ाऊं, अलाइन ऑब्जेक्ट, दूसरा पता क्या है डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट, तीसरा पता क्या है डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग, ये तीन ऑप्शंस आ गई, कैसे आती हैं यहां से थ्री डॉट्स से, बाय डिफॉल्ट सिर्फ अलाइनमेंट होती है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। इसको समझा दूं इस वाले पार्ट को ताकि ये पूरा पैनल क्लियर हो जाए आपको, यही रह गया ना, बाकी तो मैंने सारा बता दिया, अलाइनमेंट करवा दूं, चलो अलाइनमेंट पहले कर दो। ये देखो क्वेश्चन है कोई किसी का, हाँ अदील फ्लेयर, ये छोड़ दूं, ये जो बता रहा हूं छोड़ दूं, क्या कहते हो? नहीं, कंप्लीट हाँ छोड़ दूं क्या, ऑर्डर लगाओ, छोड़ दो सर, छोड़ देता हूं, हाँ अच्छा कुछ रह गया है, ठीक है धीरे, ठीक है ले जी। अच्छा पहले मैं ना इसको जरा कंप्लीट कर लूँ, फिफ्थ लेयर को बता देता हूँ, सायरा का ही शिकायत पिछले बैच में भी ये थी, अभी तक वही है। अच्छा जी, अच्छा प्रॉपर्टी सेट नहीं हो रही थी, ले जी जनाब ये देखो, पहले मैं आपको जरा, चूंकि प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं, शेप्स जब बनाते हैं तो प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी अलाइनमेंट की भी होती है, अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है ये देखो। अच्छा मैं सबसे सोनिया आई हुई है, सारा आई हुई है, अच्छा वो नहीं आई आज। अच्छा जनाब सबसे पहले ना हमारे पास अभी तकरीबन 20 मिनट हैं, तो 20 मिनट में मैं आपको ये प्रॉपर्टीज अलाइनमेंट के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बाद वक्त आप डिज़ाइन बनाते हो और डिज़ाइन बनाते बनाते आपको शेप्स को आर्टबोर्ड के ऊपर प्लेस करते वक्त मुश्किल हो रही होती है, सेंटर करने में, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली प्लेस करने में मुश्किल हो रही होती है, अगर तो आपका सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ ये एक सिंपल सा मैं एक स्क्वायर बना दिया, ये स्क्वायर बना दिया, अब मैं अगर आपको कहूँ ये स्क्वायर जो है सेंटर में है क्या हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल सेंटर में है, नो, वर्टिकल सेंटर में है, नो, आप इसको सेंटर में लेके आना चाह रहे हो। अब सेंटर में लाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसको खुद सिलेक्ट करके सेंटर में रख दो, अब वो एग्जैक्टली ये देखो, वैसे तो स्मार्ट गाइड इज वेरी गुड टूल, स्मार्ट गाइड आपको किसी ना किसी हद तक आपको फैसिलिटेट कर देता है, ये तो सेंटर आके कर दिया जी सेंटर मैंने, स्मार्ट गाइड ने आपको ये भी मसला हल कर दिया, लेकिन इतनी जो दिक्कत आपने करी है, अच्छा ये तो एक था, 100 ऑब्जेक्ट होते तो क्या करते, 100 ऑब्जेक्ट होते आपके लिए बहुत मुश्किल होती ये काम करना, एक को तो कर दिया, 100 अगर करने हो हर एक को सेंटर में लेके आना है, प्लेसमेंट करनी है, बहुत टाइम लगेगा। आसान सी ट्रिक ये हो सकती है कि मिसाल के तौर पे एक काम करते हैं, मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना, अगर चले मैं स्टार्ट पहले सिंगल ऑब्जेक्ट से करता हूं, ये देखो ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अलाइन में चले जाओ, ये अलाइनमेंट, अच्छा अलाइनमेंट आप यहां से देख लो या अलाइनमेंट आप ऊपर कंट्रोल में देख लो, ये भी अलाइनमेंट ही है, ये देखो एक ही चीज है, चाहे यहां से कर लो ऑन ऑफ, चाहे आप प्रॉपर्टीज में लाइन को जाके चेक कर लो, और अलाइनमेंट में ये तीन ऑप्शन हॉरिजॉन्टल की हैं और तीन ऑप्शन वर्टिकल की हैं, हॉरिजॉन्टल करना है यहां से कर लेना,
अब आपने अलाइनमेंट किस के मुताबिक करनी है, क्या लिखा हुआ है? अलाइन टू आर्टबोर्ड। इसमें तीन ऑप्शंस होती हैं, अलाइन टू आर्टबोर्ड होता है, नंबर टू अलाइन टू ऑब्जेक्ट होता है, और थर्ड होता है सॉरी की ऑब्जेक्ट होता है, और एक थर्ड होता है सिलेक्शन। तीनों में क्या फर्क है मैं आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले आर्टबोर्ड बाय डिफॉल्ट टिक होता है, ठीक है, टिक हुआ हुआ है, अच्छी बात है। अब आप देखो मूवमेंट देखो अपने ऑब्जेक्ट की, चेक करना। इनको उधर साइड पे कर दूं, जगह बनाऊं इधर। ये देखो ये लाइन, एक एक करके मैं आपको करके दिखा देता हूं। आज के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये है क्या। लेफ्ट अलाइन आर्टबोर्ड के हिसाब से, हॉरिजॉन्टली राइट अलाइन आर्टबोर्ड के हिसाब से, सेंटर आर्टबोर्ड के हिसाब से, ये हॉरिजॉन्टल। ये पहले तीन बटन हॉरिजॉन्टल के लिए होते हैं, अगले तीन बटन वर्टिकल के लिए होते हैं, ऊपर नीचे सेंटर में ले आओ। अगर आपसे कोई पूछे ये इस वक्त कहाँ है, आपको सर हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में है, वर्टिकली भी सेंटर में। इसका मतलब है अगर कुछ इस तरह ऑब्जेक्ट बने पड़े हों, जैसे एक ये हो गया एक ये हो गया, लेकिन एक काम मैं करूंगा इसके लिए, मैं इसकी फिल ऑफ करने लगाऊ। फिल स्टूडेंट्स ऑफ कर देना, वरना अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आ गया और वो सबसे ऊपर हुआ, उसने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को छुपा देना है। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट बना दिया ना और सेंटर कर दिया, तो चूंकि बाकी स्टैकिंग ऑर्डर में नीचे होंगे लेयर वाइज, वो छुप जाएंगे। तो एक काम करता हूं, इन सबको मैं, इस सब का मैं फिल ऑफ कर देता हूं। फिल यहां से ऑफ कर दो, नन कर दो, या फिर यहां से ऑफ कर दो, नन कर दो, आपकी मर्जी, जहां से आपको सहूलत है नन कर दो। फिर अब एक मैंने नन कर दी, अब मैं जितनी भी ऑब्जेक्ट अब बनाने लगा हूं सबकी फिल नन नहीं होगी। तो देख चेक कर लो, क्यों मैंने नन कर दिया तो सबकी नन ही होगी। ये देखो अब मैं अगर इस तरह ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में बना लेता हूं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में बना लेता हूं, अब मुझे फिक्र कोई है नहीं कि ये ऑब्जेक्ट अगर मैंने सारे सेंटर में लेके आना हो, मैं एक ही क्लिक करूंगा सारे सेंटर में आ जाएंगे। कैसे? सबसे पहले तो सबको सिलेक्ट करो। सबसे सबको सिलेक्ट करने का आसान सर तरीका ये होता है, तो अगर तो इसी आर्टबोर्ड पे मौजूद है या और कुछ कहीं नहीं है, तो अच्छा एक चीज और बता दूं, मिसाल के तौर पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट इधर भी पड़े हुए, बिखरे पड़े हैं, सबको सिलेक्ट करना ना कंट्रोल ए, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? सेलेक्ट कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, ठीक है, ये कर दो। सब सिलेक्ट हो गए, चाहे वो किसी आर्टबोर्ड से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ इस आर्टबोर्ड के ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हो जिस पे आप काम कर रहे हो, तो सबसे पहले तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप सिलेक्शन टूल लो, ब्लैक एरो, और ये आप इस तरह सिलेक्ट कर लो। दूसरा तरीका मैंने आपको बोला था वो ये कि लेसर टूल यूज कर लो, लेकिन लेसर टूल के लिए एक एहतियात लाजमी करनी है कि कोई पॉइंट रह ना जाए, क्योंकि ये एंकर्स को अगर बीच में कोई छोड़ दोगे एंकर तो सिलेक्ट नहीं होता। सिलेक्शन टूल तो कर लेता है, लेसर टूल अगर कोई एंकर छोड़ दिया, मिसाल के तौर पे ये एक एंकर छोड़ दिया अपने जानबूझ के दिखाने के लिए, सिलेक्शन हो गई है, सबकी सिलेक्शन हो गई है, सारे एंकर्स एक्टिव हो गए स्वाइस के, नहीं हुआ ना ये सिलेक्ट नहीं हुआ। तो लैसो में जरा एहतियात करनी है, लैसो में कोशिश करना कि ऑब्जेक्ट की हर एंकर बीच में आएगा तो सिलेक्शन मुकम्मल होगी, वरना वो पॉइंट आउट हो गया। अब वो पॉइंट आउट हो गया, अब होना क्या है, ये देखो अलाइनमेंट में जाता हूं, और अलाइनमेंट में जाके मैंने तीन ऑप्शन आपको बताई थी अलाइनमेंट में, अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू, अब ये तीनों ऑन हो चुकी हैं, मैं तीनों का फर्क बताने लगा हूं, अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की एंकर, और हाँ अलाइन टू की एंकर आ गया, ये डिफरेंट ऑप्शन है क्योंकि एक एंकर आपका एक्टिव नहीं है, इसलिए उसने कहा की एंकर कौन सा है। ये मैं आपको, चले अच्छी बात आ गई, ये आ गई सामने, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। अभी मुझे क्या करना है, अलाइन टू आर्टबोर्ड क्लिक कर दिया, ये क्लिक करने से कुछ नहीं होना, उसके बाद जब आप इधर क्लिक करोगे तो होगा, सारे लेफ्ट पे ले जाओ, हॉरिजॉन्टली सारे आर्टबोर्ड के लेफ्ट पे ले जाओ, ये लो। लेकिन सारे तो लेफ्ट पे चले गए, एक
एंकर जो कि आउट था सिलेक्शन से, उसने सारा काम खाना खराब कर दिया, वो अपनी जगह पे रुका रहा, बाकी सौरों को खींच के उसने उससे लेफ्ट पे लगा दिया। अंडू करता हूं, इसका मतलब है इस एंकर को भी मैं एक्टिव करना पड़ेगा। अगर आप भूल भी गए हो बाद में भी कर सकते हो शिफ्ट के साथ। ये लो लो जी कर लिया जनाब। अब जरा चलते हैं और प्रॉपर्टी में उसको कहते हैं अलाइन टू आर्टबोर्ड, यस लेफ्ट। अब आप बोले सर ये क्या बन गया है, आपने जो कि एंकर्स को सिलेक्ट किया हुआ था, एंकर्स की अलाइनमेंट हुई है, शेप की नहीं, एंकर्स को, हर एक को एंकर को पकड़ के उसने लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, पता क्या हुआ स्टूडेंट्स, और ये शेप सारी बिगड़ क्यों गई है कि हर एंकर सेंटर में आ गया, हर एंकर को सॉरी लेफ्ट पे लगा दिया। आपको किसी को समझ आई है क्या हुआ है कि नहीं आई, वेट बढ़ाता हूं, अब आपको शायद समझ आए। सारे एंकर अगर गौर करो एक ही लाइन में लग गए और इस वजह से शेप बिगड़ गई, क्योंकि मैंने सिलेक्शन किस चीज थी की भी थी, शेप की नहीं थी, एंकर्स की थी। तो हर एक एंकर, रेक्टेंगल भी चार एंकर होते हैं ना, ये एंकर भी, दूसरा एंकर भी, तीसरा भी एंकर, और सर्कल के भी आपको चार एंकर होते हैं, ऊपर वाला एंकर, दरमियान वाला, इधर दोनों, उन सबको खींच के उसने अलाइन कर दिया आर्ट बोर्ड के लेफ्ट पे। और वो देखो यहां पे कहीं आपको सर्कल या रेक्टेंगल नजर आ रहा है, क्यों नहीं समझ आई, तो मैं आपको एक सिंपल सा एक, और ये बड़ी मजे की शेप बन गई वैसे आपस की बात है, इनको मैं आपको उठा के नजर इधर रख देता हूं, ये देखो ये चीज बन गई। ये चीज कैसे बनी है, जितने रेक्टेंगल्स और वो थे ना सर्कल्स, ये अलाइनमेंट हुई है आर्ट बोर्ड के हिसाब से हुई है, और एंकर्स को उसने सबको पुश करके अपनी तरफ ले आया लेफ्ट साइड पे। नहीं समझ आई, अब वो नहीं समझ आई, नहीं आई ना समझ, अभी आपको समझाता हूं। ये देखो ये बड़े मजे की ट्रिक लगाई है, इधर चेक कीजिएगा, दोबारा से देखना, मैं एक सर्कल बनाता हूं, कितने एंकर्स हैं इसमें, एट नहीं फोर हैं, एट किधर से आ गए, वो हैंडल्स हैं, चार एंकर होते हैं आमतौर पे, हाँ ज्यादा एंकर ला सकते हो, वो कैसे आते हैं, पेन टूल से। ये देखो अब आपको मैं यहां पे एक एंकर ये डाल दिया, एक एंकर ये डाल दिया, जरा देखना शेप को क्या करता है। अब कितने एंकर हैं तकरीबन, सॉरी अब कितने एंकर हैं तकरीबन, अगर आपको एंकर्स की समझ ना आए ना कि कितने एंकर्स हैं, देखने का तरीका बताऊं क्या तरीका हो सकता है, इसके स्ट्रोक को ऑफ कर दो, एंकर ही नजर आएंगे, स्ट्रोक को बंद कर दो, अब मुझे बता सकते हो कितने एंकर हैं, सिलेक्ट करता हूं पहले सारे को सिलेक्ट करता हूं, ऐसे यहां पे कुछ एक्स्ट्रा आगे निकाल देता हूं, ये देखो कितने एंकर्स हैं, कुछ दिख रहे हैं, मेरा फोर कह रहे हो सर, फोर ही है, चार ही है, अब बताओ सिलेक्शन से नहीं करना, डायरेक्ट सिलेक्शन से क्लिक करना, अब एंकर्स नजर आए हैं, अब तो कोई डाउट नहीं है, कितने एंकर्स हैं, तीन चार पांच छह सात आठ एंकर्स हैं। अब जरा गौर करना, इनको अलाइन करता हूं मैं राइट साइड पे, एंकर सिलेक्ट है ना इस वक्त, और ये क्या किया मैं लाइन टू आर्ट बोर्ड, और क्या करने लगा हूं इनको राइट, क्या होने लगा ये देखो, उधर एंकर एक्टिव करते हैं, एंकर नहीं सिलेक्ट हुए, एंकर कर देते हैं, ये देखो ये लो जनाब सारे एंकर सिलेक्ट कर लिए, अब इनकी अलाइनमेंट करता हूं, एंकर्स की अलाइनमेंट करता हूं आर्ट बोर्ड के ऊपर, ये लेफ्ट,
अब ये सिंगल एंकर सिलेक्ट है ये वाला, ये देखो एंकर सेलेक्ट किया ये वाला, शेप देखो एंकर्स को अपनी तरफ पुश कर रही है, चेक करो। जो जो आप एंकर सेलेक्ट कर लेते हैं ना, मिसाल के तौर पे मुझे ये वाला एंकर सेलेक्ट करना है, ये तीन तीन एंकर सेलेक्ट कर लिए और इनकी अलाइनमेंट करता हूं कहां, आर्ट बोर्ड के राइट साइड पे, राइट कर दूं लेफ्ट कर दूं, चलो लेफ्ट कर देता हूं। सिलेक्शन कर ली, आर्टबोर्ड ऑन किया और इसको मैं उठा के लेके जा रहा हूं लेफ्ट साइड पे, जरा चेक कीजिएगा, जरा साइज छोटा करूं ताकि आपको दिखे। ये तीन एंकर्स अलाइन होंगे लेफ्ट ऑफ द आर्टबोर्ड, इसका मतलब अलाइनमेंट एंकर्स के हिसाब से भी हो सकती है, शेप के हिसाब से तो हो सकती है, एंकर्स के हिसाब से भी अलाइनमेंट हो जाती है। एक चीज करके दिखाऊं, ये देखो एक एंकर ये सिलेक्ट किया, जरा गौर कर लेना, ये आपने एक एंकर ये सिलेक्ट किया, एक एंकर शिफ्ट के साथ मैंने नीचे वाला ये वाला सिलेक्ट कर दिया, कितने एंकर सिलेक्ट हैं इस वक्त, सिर्फ दो। क्या करना है इसको, अलाइन रेलेवेंट टू व्हाट, रेलेवेंट टू व्हाट, आर्टबोर्ड प्रॉपर्टीज किधर गई, ये देखो अभी आपको मैं अलाइनमेंट करवा रहा हूं एंकर वाइज, शेप वाइज अभी बताता हूं। मैंने पहले मुश्किल टॉपिक पकड़ लिया, जो जो एंकर सेलेक्ट हैं उनकी अलाइनमेंट आपने टॉप पे करनी है, लेफ्ट पे करनी है, सेंटर में, मैं सेंटर में करवाता हूं ना, मैं लेफ्ट पे जाता हूं ना राइट पे ले जाता हूं, इन दोनों एंकर को मैंने सेंटर में लेके आना है। सेंटर वर्टिकल कहां बनता है, ये बनता है ना, सॉरी ये अपना हॉरिजॉन्टल कहां बनता है, ये बनता है ना, वर्टिकल तो ऊपर होगा ना, ये देखो ये लो जनाब चेक करो, ये लो ये लो ये लो, किस चीज की मूवमेंट हो रही है बताओ, एंकर्स की, अलाइनमेंट रेलेवेंट टू आर्टबोर्ड, ये हॉरिजॉन्टल है। आप में से कोई बता सकता है अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा वर्टिकल अलाइन टॉप क्या होगा, नहीं गलत होता है, अगर मैं इस बटन पे जिस वक्त मैंने एरो रखा हुआ है इस पे क्लिक करते क्या होगा, ये दोनों एंकर टॉप पे चले जाएंगे, बिल्कुल टॉप पे चले जाएंगे, करूं अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो, इस बटन पे क्लिक करूंगा तो वर्टिकल सेंटर, और अगर इस बटन पे क्लिक करूंगा हॉरिजॉन्टल लेफ्ट, चेक करो क्या शेप बन रही है, अजीब अजीब सी शेपें बन रही है। एंकर वाइज भी मूवमेंट हो सकती है आर्टबोर्ड के ऊपर, एंकर वाइज, शेप वाइज मैंने नहीं बता रहा, मैं एंकर वाइज उसकी अलाइनमेंट बता रहा हूं, ठीक है। और फिल करना है, फिल करके देख लो, देखते हैं क्या बनता है, क्या शेप बनती है, ये शेप बनी है जिसमें हसल में था क्या, ये स्टार्ट एक सर्कल था या एलिप्स था जिसके एंकर्स के ऊपर वर्क करने से, अलाइनमेंट से आपने इसकी शेप को कर दिया। अच्छा जी चले एक काम करते हैं, अब जरा ना ले जनाब, अब जरा आ जाओ टॉपिक अलाइनमेंट पे दोबारा से वापस। अब मैं आपको शेप बनाता हूं, चलें ये शेप बनाता हूं, इसको डिफॉल्ट बल्कि इसकी फिल मैं ऑफ करने लगा हूं, जरा बाकी ऑप्शन को भी समझ लो। मैंने आपको आर्टबोर्ड के हवाले से एंकर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बताया, अब मैं शेप पॉइंट ऑफ व्यू से बताने लगा हूं। ये देखिएगा मैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना लेता हूं, अब मैं एंकर की वो बात नहीं करूंगा, मैं शेप को सिलेक्ट करके आपको करके दिखाऊंगा। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट मैंने शेप्स बना दी जिसके साइज डिफरेंट डिफरेंट आपको नजर आ रहे हैं, जरूरी नहीं ये सारे सर्कल्स हों, कुछ और भी शेप्स हो सकती हैं। अब आपने सबको सिलेक्ट करना है,
और अगर मैं आपको कहूँ सबको सेंटर में ले आओ, वैसे अगर आपको ड्रॉप करना हो एक एक को सेंटर में, कितना टाइम लगेगा? ये काम आपके लिए ये आसानी से कर देगा। वो कैसे? अलाइनमेंट। और एक चीज का बस ख्याल करना कि आपने अलाइन टू आर्टबोर्ड कहना है, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट कहना है या अलाइन टू सिलेक्शन कहना है। क्या मैंने आपको अलाइन टू सिलेक्शन बताया? नहीं। क्या मैंने अलाइन टू की ऑब्जेक्ट बताया? नहीं। आपको अभी एक ही चीज बताइए, अलाइन टू आर्टबोर्ड ऑन है, सेंटर में ले आऊं सबको, हॉरिजॉन्टली ले आऊं, ये लो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आने लगे सब, वर्टिकल ले आऊं सेंटर में, ये लो सारे वर्टिकल सेंटर में आ गए। ये काम अगर वैसे करना पड़ता आपको लग पता जाता, टाइम लगता ना करने के, तो कर सकते हो। स्मार्ट गाइड आपको हेल्प करेगी, सेंटर 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 सेंटर, ये तकरीबन मैंने 10 या 20 ऑब्जेक्ट हैं, 1000 होते तो क्या करते, और सेंटर करना होता तो क्या करते? अंडू करता हूं दोबारा, देखो ये मैंने अभी जो एक्शन किया ये मैंने अलाइनमेंट, ये बिखरे पड़े ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको कहूं सबको टॉप पे ले जाओ, सबको टॉप पे ले जाओ, सबको टॉप पे ले जाओ, ये लो सब टॉप पे चले गए, या सबको बॉटम पे ले आओ, ये लो सब बॉटम पे आ गए, सब लोगों को बॉटम लेफ्ट पे ले आओ, ये लो बॉटम लेफ्ट पे आ गए, सब लोगों को बॉटम राइट पे ले आओ, सब लोगों को टॉप पे ले जाओ, सेंटर में ले आओ, ये देख रहे हो, या बॉटम पे ले आओ, ये देख रहे हो। एक क्लिक करते ही वो डिजाइन पूरे का पूरा उठा के उसको अलाइन कर देता है। और ये टेक्स्ट अगर होता वो भी इसी तरह इसको बिहेव करता, ये देख रहे हो कितने आराम से आपकी शेप से सारी एक ही जगह पे कलेक्ट होके प्लेसमेंट। और अगर मैं कहूँ सबको सेंटर में ले जाओ, ये सब सेंटर में आ गए, वर्टिकली सेंटर में तो हैं, हॉरिजॉन्टली भी ले जाओ, सॉरी हॉरिजॉन्टली सेंटर में वर्टिकली भी ले जाओ, ये लो। अच्छा ये तो हो गया। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे ना मुझे ये सिलेक्शन का सेंटर निकालना है, नॉट आर्ट बोर्ड का, ये देखो ये एक डिजाइन बनाया आपने मिसाल के तौर पर, ये मैं चाह रहा हूं यहां पे ना सारे ऑब्जेक्ट अपने आप को लाइन कर लें, नॉट अ सेंटर, इस सिलेक्शन के इनसाइड सेंटर में कर लें, इस सिलेक्शन के इनसाइड सेंटर, ये बनता है ना, ये सिलेक्शन का सेंटर ये बनता है ना, ये तो नहीं है, ये तो आर्टबोर्ड का सेंटर है, सिलेक्शन का सेंटर कहां बनता है? यहां कर दो सबको। आपने एक काम करना है, इसको यहां पे सिंपल एक कमांड देनी है, अलाइन टू सिलेक्शन। अब अगर आपने सेंटर किया, इसका सेंटर होगा हॉरिजॉन्टल और इसी का सेंटर होगा वर्टिकल, ये देखो क्या ये आर्टबोर्ड का है? नहीं, सिलेक्शन का है। अंडू करता हूं। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि मुझे ना तो आर्टबोर्ड के हवाले से अलाइनमेंट चाहिए, ना मुझे सिलेक्शन के हवाले से चाहिए, मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट के मुताबिक सबको एक्टिव करना है, इसको मैंने की ऑब्जेक्ट नॉमिनेट कर दिया, या इसको मैंने की ऑब्जेक्ट नॉमिनेट कर दिया, या इसको की ऑब्जेक्ट नॉमिनेट कर दिया, जिसको आप की ऑब्जेक्ट कहोगे ना ब्लू कलर में आ जाएगा, ये देखो कोई भी हो सकता है, एनी, चले इसको फोकस करो सब, या चले ये तो आपको लगेगा जैसे सेंटर किया, ये सेंटर में तो नहीं है ना, एक अलग जगह पर पड़ी हुई है, ये की ऑब्जेक्ट बनाने लगा, ये देखो सबसे पहले करना वही है सिलेक्शन। अब आपको तीन ऑप्शन में आज फर्क साफ जाहिर हो जाएगा कि जब आप अलाइनमेंट करते हो स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले बताना होता है इस बार मैं क्या करूंगा, अलाइन टू, नॉट सिलेक्शन, नॉट आर्ट वर्ड, बल्कि की ऑब्जेक्ट, ये लो कौन सा की ऑब्जेक्ट रखना, क्या इसको रख दूं या इसको कर दूं, अब वो सर इसको नहीं इसको कर दें, ये लो क्लिक कर दो, अब ये की ऑब्जेक्ट बन गया, जो की ऑब्जेक्ट होता है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है ब्लू। अब देखो अब मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक बाकी किस तरह बिहेव करें, क्या इसका टॉप के ऊपर सब कर दें, इसकी टॉप के ऊपर सारे आपस में इसकी टॉप के हिसाब से आ जाएं, इसके लेफ्ट के हिसाब से आ जाएं, इस ऑब्जेक्ट के राइट के हिसाब से आ जाएं, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर के हिसाब से आ जाएं, बताओ कैसे करना है। आपने की ऑब्जेक्ट बता दिया, अब आपने यहां से करना है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट, इसका लेफ्ट, किसका लेफ्ट, ना तो आर्टबोर्ड का लेफ्ट ना सिलेक्शन का लेफ्ट, इसका लेफ्ट जो आपने एक्टिव किया, चेक करो इसका लेफ्ट जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है, इसके टॉप के साथ सारे मैच कर जाए, टॉप पे आ जाए, सारे उठा के टॉप के ऊपर इसके टॉप के हिसाब से सारे अलाइन हो जाए, कर दूं।
अंडू करता हूं, इसके सेंटर के हिसाब से सारे अपने आप को अलाइन कर लें। हॉरिजॉन्टली पहले करो, हॉरिजॉन्टली सारे सेंटर में आ जाओ इस ऑब्जेक्ट के जिसको मैंने नॉमिनेट किया। चलो इसको नहीं करते इस बार, इसको कर लेते हैं। इसके मुताबिक सारे सेंटर में हो जाए हॉरिजॉन्टल, हुए कि नहीं हुए ये देखो। और इसके मुताबिक सारे टॉप पे चले जाएं, हुए कि नहीं हुए सारे। क्या आज के दिन के बाद आपको इन तीनों का फर्क किसी को बताना हो या करना हो समझ आ गया? अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट और अलाइन टू आर्टवर्ड। अलाइन टू आर्टवर्ड इज वेरी सिंपल, सिलेक्शन जितना एरिया सिलेक्ट होता है उस हिसाब से कर देता है, ठीक है, उसका सेंटर राइट लेफ्ट जो भी बनता होगा। आर्टवर्ड को नहीं फोकस करेगा, उस सिलेक्शन को फोकस करेगा। और अगर आपने की ऑब्जेक्ट कह दिया तो उस ऑब्जेक्ट को जिसको आपने कह दिया सिलेक्शन के इसके ये मैवर बना दो सबका। अच्छा यहां तक क्लियर है? अलाइनमेंट के साथ ही ये मैं आपको एक आखिरी चीज जो इसके अंदर एक रह गई वो करके मैं बंद कर रहा हूं क्लास। अच्छा अगर मैं आपको ये कहूं स्टूडेंट्स कि ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह बिखरे पड़े हैं, बस मैं खत्म कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है। अगर आपको मैं ये कहूं कि एक ऑब्जेक्ट मैं उठा के यहां पे ले आता हूं टॉप पे ऐसे, या मैं चलो इसको जल्दी से एक और अंदाज में करवा देता हूं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट कुछ पड़े में, ये है ये है ये है ये है, मुझे ये बताओ क्या इनके दरमियान में स्पेस बराबर है? कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, क्या इनके दरमियान में स्पेस बराबर करना चाह रहे हो? आसान से ट्रिक बताओ, सबको सिलेक्ट करो, ये इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि नीचे है ये चेक करना। जैसे मैं क्लिक करूंगा, अच्छा इसको तरह चले सेंटर में भी कर देते हैं, सिलेक्शन के सेंटर, या इसको मैं लगा देता हूं लेफ्ट पे, किसके लेफ्ट पे? आर्टबोर्ड के। जल्दी जल्दी से करता हूं, ये देखो कोई नई चीज नहीं बता रहा, आर्टबोर्ड के लेफ्ट पे ले गया, ये सब लेफ्ट पे चले गए। अब मैं अगर आपको कहूं कि क्या इनके दरमियान में स्पेस बराबर है, आपका आंसर होगा नो। क्या बराबर करना चाह रहे हो? आपको भी यस। क्या इस सिलेक्शन के हिसाब से बराबर कर दिया जाए? यस, सिलेक्शन के हिसाब से बराबर कर दिया जाए, या आर्टबोर्ड के बराबर करना है, आर्टबोर्ड के ऊपर भी आप कर सकते हो। ये देखो सिर्फ आपने एक चीज बतानी है, क्या स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के हिसाब से इसकी स्पेसिंग एडजस्टमेंट करें या आर्टबोर्ड के हिसाब से? मैं कहता हूं आर्टबोर्ड के हिसाब से, चेक करना क्या होने लगा है। ये जी स्पेसिंग क्या हुई, हुई कि नहीं हुई? और अगर आप सिलेक्शन कहते हो स्टूडेंट, अगर आप सिलेक्शन कहते हो तो इसी सिलेक्शन को ही रखेगा और इसी सिलेक्शन में इनकी अलाइनमेंट कर देगा स्पेसिंग के हवाले से। ये देखो ये फर्क है, अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टबोर्ड और अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन और अकॉर्डिंग टू एनी की ऑब्जेक्ट। ये भी हो सकता है, कोई की ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे मैं कहता हूँ ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको की ऑब्जेक्ट ना दो। बस मैं खत्म कर रहा हूँ, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे आप मंडे को डिस्कस कर लेना। आपने जस्ट यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे अगर आपने की ऑब्जेक्ट कह दिया और की ऑब्जेक्ट अगर आप कहते हो कि ये की ऑब्जेक्ट बना दिया जाए, ये वाला नीचे वाला या ऊपर वाला बना दिया जाए, ऊपर वाला की ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन करने लगा सेंट्रली, इसके सेंटर के हिसाब से सारों को आगे लाइन कर दो स्पेस वाइज। ये डिस्ट्रीब्यूट क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट सेंटर के हिसाब से। देखो अंडू कर देता हूं, उसके सेंटर के हिसाब से स्पेस दे दी जाए। अब मैं स्पेस देने लगा हूं, पहले मैंने स्पेस नहीं दी, अब मैं स्पेस देने लगा हूं। ये देखो क्लिक करता हूं यहां पे क्लिक करके, और ये आप की ऑब्जेक्ट ले लें, की ऑब्जेक्ट ले लो, की ऑब्जेक्ट इज दिस वन, यस, इसको की ऑब्जेक्ट के तौर पे नॉमिनेट कर दिया। और ये करने के बाद मैं अब आपको कहता हूँ कि इससे बाकियों का फासला कितना रखना, इससे ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट से फासला कितना रखना बाकियों का, आधे आधे इंच का करना सबका 0.5, चेक करना क्या होने लगा। और ये 0.5 आपने जब दे दिया ना स्टूडेंट्स, ये 0.5 जब दे दिया तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ये देखो इस ऑब्जेक्ट से 0.5 अगला, उससे आगे 0.5 अगला, उससे आगे 0.5 अगला, उससे आगे 0.5 अगला कर दिया उसने, बढ़ा दूं क्या? अंडू करता हूं, ये देखो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने जाना है इसकी ऑप्शन में, की ऑब्जेक्ट आपने ऑन कर दिया पहली बार, और ये डिस्टेंस आपने कर दिया 1,
वन करने के बाद आप इसको की ऑब्जेक्ट बनाने चाह रहे हैं या इसको की ऑब्जेक्ट बनाना, इस बार मैंने इसको की ऑब्जेक्ट बना दिया, इससे इसका फासला एक, इसका फासला एक, इसका फासला एक इंच हो जाएगा, करूँ क्या? हुआ कि नहीं हुआ? इस ऑब्जेक्ट से एक इंच, एक इंच, एक इंच, हर ऑब्जेक्ट अपने से एक इंच का फासला छोड़ जो आप यहां पे दोगे, जो आप यहां पे दोगे। अब मैंने वन कर दिया, वन इंच हो गया, की ऑब्जेक्ट ये बना दिया मैंने, इससे फासला सेट हो गया। जो की ऑब्जेक्ट बना लोगे इससे डिस्ट्रीब्यूशन करने में आसान होगा। अगर ऑब्जेक्ट आप कितने पड़े होते हैं और अगर आप स्पेसिंग मैनेज करना मुश्किल हो रही होती है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग की जा सकती है। दिस इज ऑल अबाउट टू दिस लेसन।